मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है डॉक्टर मुजर वारिस। आज बात करेंगे आपका हफ्ता कैसा रहेगा 17 सितंबर से 23 सितंबर 2018। तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल वाले लोगों के लिए तालीमी तौर पर ये मुश्किल वीक नज़र आ रहा है। तालीमी तौर पर आपने बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करनी है, फिर उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बच्चों की सेहत के हवाले से आपने केयरफुल रहना है, बच्चों की सेहत की खराबी के इशारे मिल रहे हैं। कर्ज की वापसी के असबाब पैदा होते नज़र आ रहे हैं, और अपनी सेहत पर भी तवज्जो देनी है, और सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है। बुर्जे सौर वाले अफराद के लिए प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छा वीक नहीं है। प्रॉपर्टी में मसाइल के निशान दे रही है, डिस्प्यूट नज़र आ रहा है, बैरून मुल्क सफ़र होता हुआ आपका नज़र आ रहा है, वीज़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और औलाद के हवाले से आपका ये अच्छा वीक रहेगा। औलाद की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बुर्जे जौज़ा वाले अफराद के लिए प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छा वक्त है। प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन नौकरी करने वाले अफराद को एहतियात की ज़रूरत है। अपनी जॉब के ऊपर फोकस करें, किसी किस्म की मसाइल की निशानदेही हो रही है। महबूब से ताल्लुकात कशीदा होते नज़र आ रहे हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल की निशानदेही हो रही है। बुर्जे सरतान वाले अफराद के लिए तालीमी तौर पर बहुत अच्छा वीक रहेगा। इम्तिहान में कामयाबी होती नज़र आ रही है, और इस हफ्ते पसंद की शादी होती हुई नज़र आ रही है। इसके बहुत ज़्यादा फेवरेबल साइंस बने हुए हैं। कारोबार में आपने एहतियात करना है, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बुर्जे असद वाले लोगों के लिए माली तौर पर पोजीशन इनकी बेहतर होती नज़र आ रही है, मजबूत होती नज़र आ रही है। आमदन के ज़राए पैदा होंगे, नौकरी मिल सकती है, मुलाजमत मिलेगी, और महबूब के साथ इनके ताल्लुकात जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्जे सुमला वाले लोगों के लिए शादी के लिए अच्छा वक्त है। इनकी शादी होती नज़र आ रही है इस वीक में, और जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है। इनको जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है, या जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त रहेगा। माली तौर पर भी इनके हालात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। बुर्जे मीज़ान वाले लोगों के लिए माली तौर पर इनका अच्छा वीक रहेगा। कारोबार में इनको प्रॉफिट होता नज़र आ रहा है, कारोबार बेहतर चलेगा। महबूब से इनके ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। तालीमी तौर पर भी ये वीक बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बुर्जे अकरब वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में जो सबसे अहम और अच्छी जो पोजीशन बनी हुई है वो शादी के हवाले से, यानी आपकी शादी होती नज़र आ रही है, और अगर शादी नहीं जिन लोगों की हुई तो उनका रिश्ता तय होता नज़र आ रहा है। तालीमी तौर पर अच्छा हफ्ता रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, और जिनके शरीक हयात के साथ इख्तलाफात हैं वो इस वीक के अंदर उनको मना सकते हैं, उनके इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। बुर्जे कौस वाले लोगों के लिए बैरून मुल्क सफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो लोग वीज़े के लिए मुंतजर हैं उनको वीज़ा मिलता नज़र आ रहा है। नौकरी जिन अफराद के पास नहीं है उनकी नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है, और कारोबार में तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। बुर्जे जद्दी वाले लोगों के लिए सबसे अहम चीज़ माली मामलात हैं। इस वीक में उनको दोस्तों की तरफ से माली तौर पर ताउन मिलेगा, अपने मंसूबों को वो पाया तकमील तक पहुंचा सकेंगे। बैरून मुल्क उनका सफर होता हुआ नज़र आ रहा है। बुर्जे दल वाले लोगों के जायचे में पोजीशन थोड़ी इस तरह की बनी हुई है कि इनकी सेहत की खराबी पैदा होती नज़र आ रही है, और शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल की निशानदेही हो रही है, और कारोबार के अंदर ये फोकस करें,
बिग इन्वेस्टमेंट ना करें, नुकसान होने का एहतमाल है। बुर्जे हौत, बुर्जे हौत वाले अफराद के लिए इनकी शादी होती हुई नजर आ रही है या इनकी शादी नहीं हुई तो इनका रिश्ता तय होता नजर आ रहा है। कारोबार में इनको तरक्की होती नजर आ रही है। जिन अफराद के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है।